मां महिम राज्यपाल का भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन ने विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से चर्चा में कही। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यपाल के अभिभाषण पर जयवर्धन सिंह ने दिखाए तेवर। महामहिम के भाषण से गायब हुई लाडली पहना तो जयवर्धन को आया गुस्सा। जयवर्धन का सवाल, क्या शिवराज के साथ साथ लाडली बहना को भूल गई भाजपा? राज्यपाल का भाषण किसी केंद्र शासित प्रदेश की तरह, बोले जयवर्धन। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है। महामहिम के अभिभाषण में लाडली बहना योजना सहित राज्य की शिवराज सरकार की योजनाओं का जिक्र न होने से कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर चमकर निशाना साधा और कहा कि महामहिम का भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया हो। भाषण राज्यपाल जी का है, लगभग 29 पेजों का है, जिसमें 50 बार उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री जी का और सिर्फ 5-10 बार उल्लेख किया मुख्यमंत्री जी का। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम विधानसभा में नहीं लोकसभा में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे अभिभाषण में एक बार भी लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं किया गया। आज पूरा मध्य प्रदेश जानना चाह रहा है वर्तमान सरकार से, क्या लाडली बहना योजना खत्म हो चुकी है? क्या वो सिर्फ शिवराज सिंह जी की योजना थी, भाजपा की योजना नहीं थी? उस पर कुछ स्पष्ट किया जाए। हमें उम्मीद थी कि जो बड़े वादे भाजपा ने किए थे चुनाव के पहले, धान खरीदी 3100 में की जाएगी, गेहूं खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल पे की जाएगी, इसका भी कोई उल्लेख कल के भाषण में नहीं था। और आज जरूर हम ये सब प्रश्न सदन के अंदर वर्तमान सरकार से पूछेंगे। बता दें कि विधानसभा सत्र के अंतिम दिन महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। इस दौरान विपक्ष ने सवाल किया कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, इस पर हंगामा हो गया। जवाब में भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं मोदी की गारंटी है, यह गारंटी हर हाल में पूरी होगी, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।